आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरू राणा स्वागत करती हूँ आपके आज की न्यू वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और हमने घर का काम तो थोड़ा बहुत निपटा दिया है और नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। देखिए आज का मौसम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, और यहाँ पर चिड़िया भी उड़ रही है अभी, और पूरे खिली खिली सी धूप है, और दिन में अभी भी यहाँ पर बहुत गर्मी है, और सुबह शाम हल्का सा ठंडा लगता है, वो भी शाम को बहुत, जब 7-8 बज जाती है तब उसके बाद, और उससे पहले दिन में तो बहुत गर्मी लगती है, लाइट चली जाती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखिए मौसम तो एकदम साफ हो रहा है। हमने बहुत सारा काम किया, आज तो थकान भी लग गई है, और क्योंकि आज बहुत सारे कंबल थे धोने के, तो कंबल वगैरह भी धो दिए हैं, कुछ अभी धोने के हैं और एक तो धो दिए, और इतना बड़ा कंबल अभी धोते हैं हमने। देखिए यहाँ पे पूरे कपड़े लगा रखे हैं यहाँ पे, देखिए तो क्या, और ये वाला कंबल तो ना इसका तो ये तो मशीन में भी नहीं आ रहा है, तो हाथ से धोना पड़ा मेरे को, और इतना भारी है ये वाला कंबल, और भी पानी निकल रहा है इससे क्योंकि मशीन में तो सूखा नहीं है, इसलिए सूखा नहीं पड़ा। और ये देखिए चूहे ने क्या कर दिया, मेरा नया कंबल है, देखिए यहाँ पे पूरी शक्ल दिख रही है इसमें इधर से, और चूहे ने ना पूरा काट दिया है ये, मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि पिछला भी एक ही साल हुआ, इनको दो लिए थे मैंने कंबल ये, और एक ये था और एक इसके साथ का दूसरा तो अभी नया है। और ये ना भैया वहाँ पे दुकान में ही सोते हैं पीछे, वहाँ पे है मतलब सोने के लिए, तो वहाँ पे सोते हैं भैया, तो वहाँ पे रखे थे। आजकल वो कंबल तो ओढ़ते नहीं है, जैसे सर्दी मतलब अब आएगी तब ओढ़ते हैं वो, गर्मी में तो ओढ़ते नहीं है। पतली वाली कंबल तो उन्होंने ना वहीं रखी हुई थी, और देखा तो जिनकी कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने आज, और कंबल तो कितना पड़ा है, और इसमें भी शायद नहीं है, और धूप भी अच्छी खासी आ गई है ऊपर तक, बरामदे तक आ गई है धूप, ये देखिए यहाँ पे लोगों को झूठ ना। राणा जी ने भी मेरी मदद करी क्योंकि मुझसे तो उठाए अंदर, और अभी ये सो गए हैं यहाँ पे दोनों बाप बेटे, आराम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो उन्होंने फिर मेरे साथ हेल्प करी कंबल उठाने, क्योंकि मुझसे ना बहुत भारी है कंबल, उठाया भी नहीं जा रहा था। तो अब इसके बाद में ये तो नहा गए हैं, मैं खुद नहा लेती हूँ, तब तक बड़ी वीडियो में बने रहे, फिर नहा लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग गई है, और पूरे गीले भी रखे कपड़े धोने से, कपड़े पूरे गीले हो रखे हैं, फिलहाल नहा लेती हूँ, पानी भी गर्म हो गया है, तब तक बने रहे। तो दोस्तों स्नान वगैरह भी मेरा हो गया है, और फिलहाल करते हैं दिन की खाने की तैयारी है। तो चावल दाल तो बना रखी है, और चावल चढ़ा देते हैं, चावल बनाते हैं क्योंकि टाइम तो हो ही गया है खाना खाने का, तो लगभग अब 2 बजे हम लंच करेंगे दिन का, तो तब तक अगले खाना बना लेती हूँ, मतलब चावल बना लेती हूँ दाल। तो चावल भी मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिए हैं, और उस पर ढक्कन भी लगा दिया है, देखते हैं इसके पकने का वेट करते हैं, उसके बाद दिन का खाना खाते हैं। तो फिलहाल इसको पकने, तो चावल भी मैंने ये देखिए कुकर में चढ़ा दिए हैं यहाँ पे, और इसका पकने का वेट करते हैं। और दाल सुबह की बना रखी है, दाल तो है तो इसलिए दाल तो बनानी नहीं पड़ेगी, फिलहाल चावल बनाते हैं गरम गरम, और गर्मा गर्म खाते हैं, तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। चावल पक, खाना भी तैयार है, चावल भी पक गए हैं, और खाना हमारा तैयार हो गया है, तो दिन का लंच कर लेते हैं। और खाने में यार सिंपल दाल है और चावल है, अभी राणा जी खा रहे हैं यहाँ पर। हमारा खाना भी तैयार हो गया है दिन का, और भूख भी लग गई है बहुत ज़ोर से, और काम भी निपट गया हमें, तो पहले खाना खा लेते हैं, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं, और फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।